हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नए तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें इस तरह के ट्रांसफ़र टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में दो फंदे छोड़ देती हूँ, आप चार भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दो फंदे छोड़ने के बाद मैं दो फंदे इधर से निकालूंगी, दो फंदे इधर से, ये फंदा हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये फंदा हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इसके बाद हम चार नीडल का गैप करेंगे, एक दो तीन चार, और चार नीडल का गैप करने के बाद सेम इसी तरह से करना है, हमें फंदे निकालने हैं। इस तरह से चार नीडल का गैप करते हुए दो दो फंदे निकालने हैं। फिर चार नीडल का गैप, इसी तरह से फंदों के हिसाब से अपनी डिजाइन को आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये वाली नीडल मैं आगे की साइड कर दे रही हूँ सारी, जिससे चलाने में फंदे ना फंसे। अब कैरिज को हम 6 बार चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सलाइयाँ लगा लिए मैंने। अब हमें क्या करना है, जो हमने 4 फंदे बीच में हमने छोड़े थे उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरह से आप याद रखेंगे, 2 फंदे मैंने पहले छोड़े थे, उसके बाद 4 फंदों में ये डिज़ाइन बनाई थी, तो ये वाले हमारे 4 फंदे, यानी कि सेकंड टाइम पे हम 6 फंदे छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में जब हम शुरू करेंगे तब 2 फंदे छोड़ेंगे, इधर से हमने 2 फंदे निकाले, 2 फंदे इधर से निकाले। अब हमारा वही 4-4 का गैप आ जाएगा, वैसी तरह से हमें करना है। ठीक, 4 फंदे छोड़ने हैं हमें। ठीक, 2 3 4, फिर हमें 4 फंदे छोड़ने, 1 2 3 4, इधर फंदे बचे नहीं है हमारे, तो इधर मैं नहीं बना रही हूँ डिजाइन। फिर हम 6 सलाइयाँ लगाएंगे, मिडल आगे की साइड कर देंगे, 1 2 3 4। बस यही सेम स्टेप जो है आपको रिपीट करना है, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप किया था, तब 2 फंदे छोड़े थे और यहाँ पर 4 फंदों में हमने इधर से उधर ट्रांसफ़र करके 4-4 नीडल का गैप किया था। सेकंड स्टेप में आपको 6 फंदे छोड़ने हैं, फिर आपका 4-4 का गैप हो जाएगा। इसको चलाकर फिर दिखाती हूँ किस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन करेगी। इस तरह से डिज़ाइन आपकी बनकर आएगी।